हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज पूरा दिन आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा था, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और आपका पर्सन आपके बारे में थर्ड पार्टी से क्या बातें कर रहा था, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं एडवेंचर, लेटिंग गो, कॉम्प्रोमाइज़, इंटीग्रेशन एंड न्यू विजन। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे आपका इस पर्सन के साथ में रिश्ता कैसा है और इस पर्सन ने आपके साथ में किस तरह का बॉन्ड शेयर किया है। तो यहाँ पर हमारे पास एडवेंचर का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच रिश्ता तो काफ़ी मजबूत था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिश्ता था। आप दोनों ने एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ किया भी है, ऐसा भी लग रहा है। आप दोनों के मन में सेम फीलिंग्स, सेम पैशन नज़र आ रहा है। फिर भी यहाँ पर आपका पर्सन लेट गो कर गया है। पहले पहले तो ये पर्सन कभी कभी आपसे रूठते थे, पर ऐसा लग रहा है कि अब काफ़ी टाइम से ये पर्सन रूठ कर बैठ गया है, आपसे बात नहीं कर रहा और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन हमेशा के लिए आपसे दूर चला गया है। पर ये पर्सन आपके बारे में आज भी सोचते हैं, भले ही आप दोनों की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ हो, आपके पर्सन को पता है कि 50% अगर आपकी गलती है तो 50% इस पर्सन की भी गलती है। इस पर्सन की गलतियों की वजह से भी आप दोनों आज बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे नाराज़ ज़रूर हैं, पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये नाराज़गी इस पर्सन की गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी जानता है और ये पर्सन झूठी मूठी नाराज़गी ही शो कर रहा है। आपसे बात ना करने का एक बहाना हो सकता है और इस पर्सन को स्पेस चाहिए, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज नज़र आ रही है। इस पर्सन के जीवन में कोई अदर पर्सन है और कोई रोमांटिक पर्सन है जो इस पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त है, नज़र आ रहा है। और ये पर्सन आपको उस इंसान से कंपेयर करता है और उस इंसान से आपके बारे में बात भी करता है। इन दोनों के बीच आपके बारे में जो बात होती है वो कुछ इस तरह की है। यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड है कि आपका पर्सन आपसे लेट गो करके उस इंसान की ज़िंदगी में शामिल हुआ है और ये बात थर्ड पार्टी अच्छे से जानती है कि आपसे रिश्ता ख़त्म करके ही ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में है। इसीलिए आपके बारे में अक्सर ही बात होती है और आज पूरा दिन आपके बारे में बात होती रही, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आपको कंपेयर करके देखता रहा। क्योंकि ये पर्सन अब कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नज़र आ रहा है, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। भले इस पर्सन को आपसे बहुत बेइंतहा प्यार ना हो, पर आप दोनों का जो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो गया था उसके बारे में ये पर्सन आज भी सोचते हैं। आपसे भले ही ये पर्सन लेट गो कर गया हो, पर आपके साथ बिताया हुआ वक्त इस पर्सन के लिए आज भी यादगार बना हुआ है। जो वक्त इस पर्सन ने आपके साथ बिताया वो काफ़ी सुकून का वक्त था। इस पर्सन को मन की शांति मिलती थी, इस पर्सन को दिल का सुकून आपके साथ महसूस होता था, ये चीज़ नज़र आ रही है। और साथ ही इस पर्सन को जो एहसास हो रहा है अपनी फीलिंग्स को, जो इस पर्सन ने पहले इग्नोर किया था, अब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर्सन को ये एहसास भी हो रहा है कि आपके साथ में इस पर्सन का जो बॉन्ड बन गया था काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड है। और इस पर्सन को ऐसा भी एहसास होता है कि आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हैं। तो इस पर्सन को इस जर्नी के बारे में शायद रिसेंटली ही पता चला है, इसलिए भी पर्सन आपकी तरफ अब अट्रैक्ट होने लगा है, आपके बारे में सोचने लगा है और अपने लिए और आपके लिए जो निविजन यहाँ पर तैयार कर रहा है ना, ये पर्सन इसी तरह का है कि ये पर्सन अब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। इस रिश्ते को लेकर इस पर्सन के मन में जो दुविधा थी वो अब दूर हुई है। धीरे धीरे ये पर्सन जब थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते में आया है ना, मतलब जो भी रिश्ता इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ हो, चाहे एज अ फ्रेंड हो वो लोग या फिर जो भी रिश्ता इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ बनाया हो, उस रिश्ते में इस पर्सन को अब मज़ा नहीं आ रहा। इस पर्सन को मज़ा तो आपके साथ आता था, तो इस पर्सन को जो मज़ा आपसे मिल रहा था, जो भी एडवेंचर से भरी हुई लाइफ आप दोनों एक दूसरे के साथ में जी रहे थे, बिता रहे थे, जिस लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए इस पर्सन को प्रेरणा मिल रही थी, जिस तरह ये पर्सन आपके साथ था, जिस तरह का रिश्ता आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बनाया था ना, तो अब इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता काफ़ी अच्छा था। अब थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता इस पर्सन ने बनाया है उसमें इस पर्सन को मज़ा नहीं आ रहा। इस पर्सन ने उस इंसान के साथ रहकर देख लिया, उस इंसान को अच्छे से परख लिया, ट्रस्ट नहीं कर पा रहा ये पर्सन एक तो थर्ड पार्टी पर,
इसीलिए छोटी छोटी बातों को लेकर मिसेस रेनिंग्स क्रिएट हो रही हैं और अब ये पर्सन सोच रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ फिर से रिश्ते में आना है। रिश्ते में जिस तरह का भी इस पर्सन के साथ आपका बॉन्ड था उसको फिर से इस पर्सन को मजबूत बनाना है। तो ये पर्सन चाहता है फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आना। ये पर्सन एक बार लेट गो कर गया है पर अब अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पा रहा, अपनी सोच को ये पर्सन थाम नहीं पा रहा। इस पर्सन की सोचें बार बार इस पर्सन को आपकी होने का एहसास करा रही हैं। इस पर्सन को यह एहसास हो रहा है कि आज भी इस पर्सन के दिल में आप हैं और इस पर्सन के दिमाग में भी आप ही चलते रहते हैं। 24 आवर्स ये पर्सन आपके बारे में सोचता है और जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ में फील होता है वो थर्ड पार्टी के साथ फील नहीं हो पा रहा। तो अब ये पर्सन एक नए सिरे से सोचने लगा है क्योंकि यहाँ पर एडवेंचर के कार्ड के साथ साथ लेटिंग गो के कार्ड का आना और साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ के कार्ड का आना इस बात की तरफ इशारा है कि आपके साथ जो भी रिश्ता इस पर्सन का था इस पर्सन ने उस रिश्ते को तोड़ तो दिया पर अब फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोच रहा है। और सोच इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड है, यिंग यंग की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये पर्सन समझ पा रहा है आपकी भावनाओं को भी और अपनी भावनाओं को भी। अब ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को और अपनी फीलिंग्स को ना समझने की जब कोशिश कर रहा है तो इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि आप जो जिस तरह से इस पर्सन के साथ में थे, जिस तरह का बॉन्ड इस पर्सन के साथ आपका बना था वो एक अलग ही तरह का बॉन्ड था। वो जो पैशन आप में इस पर्सन को दिखाई देता था, इस रिश्ते में दिखाई देता था, अब वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं दिखाई दे रहा। तो इस पर्सन ने कंपेयर करके जब देखा आपके साथ रिश्ते को और थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को तो ये पर्सन समझ पा रहा है कि आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हैं, आपके साथ एक ऐसी जर्नी में है जिसको ये पर्सन चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए इस पर्सन ने अब कुछ नया सोचा है, नए नए विचार इस पर्सन के मन में आते रहे। आज पूरा दिन इस पर्सन के मन में काफ़ी नए नए विचार आते रहे जिसके बारे में ये पर्सन थर्ड पार्टी को भी बताता रहा। थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का उतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है, फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं ये पर्सन आपके बारे में थर्ड पार्टी से शेयर करता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन एज अ फ्रेंड ही है, इसलिए अपने दिल की बात ये कह पाते हैं, अच्छे से समझते हैं एक दूसरे को। पर हाँ, प्यार वाली फीलिंग इस पर्सन की जो है ना वो आपके लिए हैं, इसीलिए ये पर्सन आज दिन भर आपके बारे में थर्ड पार्टी से बात करता रहा। और यहाँ पर निवेदन के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि ये पर्सन आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत चाहता है, उसी रिश्ते को बहाल करना चाहता है, उसी रिश्ते में फिर से ये पर्सन आना चाहता है जिस रिश्ते को इस पर्सन ने पहले ख़त्म किया था, अब फिर से आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है। तो ये चीज़ें ये सारे कार्ड्स में नज़र आ रही हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो आज पूरा दिन आपका पर्सन आपके लिए सोचता रहा, आपके लिए फील करता रहा और थर्ड पार्टी से आपके बारे में बातें करता रहा। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माई लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।